नमस्कार दोस्तों, आप सबको फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज मैं बना रही हूँ मिट्टी का पम्पकिन यानी कद्दू। तो चलिए देखते हैं कैसे मैंने मिट्टी का पम्पकिन बनाया है। मैंने मिट्टी का पम्पकिन बनाने के लिए सबसे पहले ले लिया थोड़ा सा मिट्टी और पानी। और आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, क्योंकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। ये पम्पकिन मैंने बेसिकली घर पे डेकोरेट करके रखने के लिए बनाया है। आप देख सकते हैं मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अब मैंने ये पूरा हाथों की सहायता से बना रही हूँ और ये बनाने में भी बहुत आसान है और ये आप बहुत कम सामानों में बना सकते हैं। ये बनाने के लिए थोड़ा सा मिट्टी और कलर चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं इसको थोड़ा पानी लेके प्लेन कर लूंगी मिट्टी को। ऐसे प्लेन करने से आपको कलर करने में आसानी होगी। ऐसे ही मैंने बहुत सारा फ्रूट्स और वेजिटेबल बनाया है मिट्टी से। आप चाहे तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पर वीडियो का लिंक डाल दिया है। ये पम्पकिन मैं घर पे डेकोरेट करके रखूंगी। आप भी चाहे तो ऐसे पम्पकिन बना के घर पे डेकोरेट करके रख सकते हैं, दिखने में बहुत अच्छा लगता है। और ये मैंने देख सकते हैं पम्पकिन को पकड़ने के लिए बना लिया। अब मैं इसको हाथों की सहायता से ऐसे करके उसके बाद उसको पम्पकिन में ऐसे रख दूंगी। आप देख सकते हैं मेरा पम्पकिन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको धूप में रख दूंगी और उसको सुखा लूंगी पूरी तरीके से। उसके बाद मैं उसको कलर कर लूंगी। देख सकते हैं मेरा पम्पकिन तैयार हो चुका है। अब मैं इसको धूप में रखूंगी। देख सकते हैं मेरा पम्पकिन सूख चुका है और पूरा सूख के ऐसा लग रहा है। अब मैं उसको कलर कर लूंगी। मैंने सब कलर ले लिया है। अब मैं इसको कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने पहले इसे कलर लगा लूंगी व्हाइट कलर। अब मैं पम्पकिन का कलर बना के लगाऊंगी। और ये पम्पकिन का कलर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ऑरेंज कलर ले लिया। ऑरेंज व्हाइट और ब्लैक कलर को मिक्स करके मैं एक पम्पकिन जैसा कलर बना लूंगी। देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा कलर लेके उसको मिक्स कर लूंगी। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया तीनों कलरों को। अब थोड़ा बहुत पम्पकिन का कलर जैसा लग रहा है ये। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कलर मिक्स कर लिया। कलर मिक्स हो चुका है और ये कलर पूरा ऐसे मैंने रखा है जैसे पका हुआ पम्पकिन के बाहर का कलर होता है, उसी कलर मैंने बनाया है। अब मैं पम्पकिन को कलर कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके। आप देख सकते हैं मेरा पम्पकिन पूरा कलर कर लिया है मैंने। पूरा कलर हो चुका है मेरा पम्पकिन। अब मैं थोड़ा सा ग्रीन कलर और ब्लैक कलर को मिक्स करके एक डीप ग्रीन जैसा कलर बनाऊंगी। और ये ग्रीन कलर में पम्पकिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर करूंगी, क्योंकि ये दिखने में पूरा ओरिजिनल पम्पकिन लगे। अब मैंने कलर को मिक्स कर लिया।
अब मैं ये ग्रीन कलर को थोड़ा थोड़ा करके कर लूंगी ब्रश से। आप देख सकते हैं मैं ये ऐसे कर रही हूँ कलर, बाद में उसको थोड़ा हल्का कर लूंगी ब्रश से। पहले मैं ऐसे लगा रही हूँ, उसके बाद ब्रश से उसको उस कलर को ग्रीन कलर को थोड़ा हल्का कर दूंगी ऐसे। आप देख सकते हैं अब मैं इस ब्रश से ये ग्रीन कलर को थोड़ा हल्का हल्का कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने पम्पकिन के ऊपर थोड़ा थोड़ा ग्रीन कलर कर लिया। अब मैं पम्पकिन को पकड़ने के लिए ऊपर का जो रखा था उसको कलर कर लूंगी। उसको कलर करने के लिए मैंने थोड़ा सा येलो कलर ले लिया, उसको मैं पम्पकिन का बाहर का कलर जो किया था उसी के साथ मिक्स करके एक कलर बना लूंगी। अब मैं ये कलर लगा लूंगी। अब मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर लेके यहाँ पर लगा लूंगी। आप देख सकते हैं अब मैं इस ब्लैक कलर को ब्रश से थोड़ा सा हल्का हल्का कर लूंगी। ये कलर लगाने के बाद आप देख सकते हैं मेरा मिट्टी का पंपकिन पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। और मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छे लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।